Hey guys, this is Akhilesh Pandey with another video. In this video, I will tell you that how to write English. Basic, fundamental नहीं कि कैसे English लिखना है. इसके लिए मैंने एक video बनाया हुआ है. मैं link में दे दूँगा. इस video में मैं ये बताऊँगा कि अंग्रेजी आप लिखना जानते हैं. मैं मान के चलता हूँ आप अंग्रेजी के basic sentences structure बना सकते हैं. अब आप English लिखने वाले हैं. लेकिन फिर भी अब आपकी answer को attractive आप कैसे बनाएं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं और वो स्टूडेंट्स ज्यादा खतरनाक आपके लिए होंगे जो टीचर का एज इट इज आंसर टीचर ने जो लिखा है उस आंसर को उन्होंने क्या किया डायरेक्ट याद करके एज इट इज लिख दिया दैट मींस वो सेंटेंस टीचर ने बनाया है तो जाहिर सी बात है कि आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो इफेक्टिव अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने का क्या जुगाड़ है मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो में कुछ चीजें हैं जो अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख लेते हैं तो आप ये ना समझें कि आप बहुत अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं आंसर बहुत अच्छा लिखने के लिए कुछ आपको बेसिक चीजें फॉलो करना पड़ेगा और काफी चीजें आपको सीखना पड़ेगा उन्हीं में से कुछ पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करता हूँ आंसर में आपकी फॉर्मेलिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए कैजुअलिटी बहुत दूर दूर तक नहीं होना चाहिए पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंग्लिश दो प्रकार के होते हैं आप जानते हैं एक कैजुअल इंग्लिश एक फॉर्मल इंग्लिश कैजुअल इंग्लिश इंग्लिश दैट कैन बी स्पोकन बाय ऑल ऑफ अस व्हाटएवर वी आर यूजिंग इन आवर डेली रूटीन डेली लाइफ बाय आवर माउथ ओरल इंग्लिश में हम कैजुअल इंग्लिश होते हैं उसमें हम कुछ भी कह सकते हैं बट राइटिंग इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग इंग्लिश जो होती है वो एकदम फॉर्मल होता है उसमें कहीं से भी आप कैजुअलिटी नहीं ला सकते कहीं से एब्रिविएशंस का प्रयास ना करें तो उन्हीं में से हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिससे आप अपने आंसर को ज्यादा इफेक्टिव बना सके पॉइंट नंबर वन ये है डू नॉट यूज अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन यू कैन से 50 मिलियन पीपल सबसे बड़ी बात कि लोग बहुत गोलमटोल बात करते हैं वहां पे आंसर पे वो कहते हैं कि अलॉट ऑफ पीपल आर देयर नहीं वो आप कंफर्म अगर बता सके कि 50 मिलियन पीपल वहां पे हैं तो ये ना कहे कि कुछ लोगों ने कहा ना उन कुछ लोगों का नाम रखिए कि रमेश ने कहा सुरेश ने कहा सुनीता ने कहा इन्होंने कहा आप एग्जैक्ट बिल्कुल आप नाम रखिए क्योंकि आपके पास प्रमाण होना चाहिए आपके आंसर में प्रमाण देखा जाएगा तो आप कभी भी प्रयास करें कि ये ना लिखें कि अलॉट ऑफ पीपल अगर आप कह सकते हैं कि 50 मिलियन पीपल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब है और अलॉट ऑफ पीपल से बचिए क्योंकि आपके आंसर में तब उतना दम नहीं रहेगा अगर किसी बच्चे ने लिख दिया 50 मिलियन पीपल सेकंड पॉइंट मैंने लिखा डोंट राइट ना लिखिए इन माई ओपिनियन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम ये आप ना लिखें कि इन माई ओपिनियन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम आपका ओपिनियन नहीं पूछा जा रहा वो फैक्ट पूछता है आंसर तो आपको लिखना चाहिए राइट क्या लिखे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम ये सही है और वो गलत है अगर आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू मी इन माई ओपिनियन एज आई थिंक नो ये आपको सिखाया गया होगा स्पोकन इंग्लिश में कि आप अपने बातों को बड़ा करने के लिए कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी एज आई थिंक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टास्क गेम बिकॉज आई हैव प्लेड नो ये ठीक है जब आप डिस्क्राइब करें अपने मुंह से लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो आप ये ना कहिए अकॉर्डिंग टू मी या एज आई थिंक नो ये रॉन्ग हो जाएगा इन माई ओपिनियन आपको कोई आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं आप में कोई इंटरेस्ट उनका नहीं है इवन वो आपको आपसे उबते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है तो आप ऐसी चीजें लिख करके बहुत ज्यादा आप ये ना समझे कि आपका जो राइट आंसर है वो आपका लेटर ना बन जाए आपका डायरेक्ट मैसेज ना बन जाए एग्जामिनर के लिए आप एक फॉर्मल स्टूडेंट की तरह राइटिंग में आप लिखेंगे तब ज्यादा इफेक्टिव बनेगा नेक्स्ट पॉइंट अवॉइड यू ये मैंने अभी बताया कि आपका लेटर आपका जो आंसर है ये हमेशा प्रयास करें कि वो कहीं मैसेज ना बन जाए एग्जामिनर के लिए उसके लिए आपको यू अवॉइड करना पड़ेगा अपने आंसर में आप ये नहीं लिख सकते हैं यू कैन इजिली फॉरगेट हाउ डिफरेंट लाइफ वाज 50 ईयर्स अगो नो रॉन्ग हो जाएगा ये जैसे आपने कहा यू कैन इजिली फॉरगेट आप उसको क्यों एग्जामिनर को क्यों घसीट रहे हैं अपने ओपिनियन में आपको लिखना है इट इज इजी टू फॉरगेट हाउ डिफरेंट लाइफ वाज 50 ईयर्स अगो इट इज इजी आप तुरंत टेंस चेंज करिए वो सब्जेक्ट चेंज करिए हमेशा आंसर अपना थर्ड पर्सन में दीजिए आप सेकंड पर्सन में ना दीजिए आंसर नहीं तो फिर गलत हो जाएगा अब कुछ और साइकोलॉजी आंसर को सही इफेक्टिव बनाने के लिए प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन में आपने बहुत दमदारी से आंसर लिख दिया सारी चीजों को फॉलो किया और भी कई पॉइंट्स हैं आप उनको फॉलो कर ले गए खूब बढ़िया से ऑब्जर्वेशन करके आंसर लिखा लेकिन अगर आपके राइटिंग नहीं सही है तो एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं
एग्जामिनर से पहला क्वेश्चन पढ़ता है और आराम से जो है पूरा कॉपी आपका ऑब्जर्वेशन करके नंबर दे देता है। अगर आप में दम है, एक बड़े एग्जामिनर ने कहा था कि अगर आप में दम है तो आप मुझसे पूरा आंसर पढ़ा लीजिए तो हम जाने। अगर किसी स्टूडेंट में दम है तो वो एग्जामिनर से पूरा आंसर पढ़वा ले तो उसके दम को माना जाएगा। इसके लिए आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है। कुछ एक साइकोलॉजी होते हैं कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन स्पिरिचुअल ब्यूटी, इट्स राइट, बट कहीं कहीं आपको फर्स्ट इंप्रेशन के लिए फिजिकल ब्यूटी भी जरूरी है। इस ये वहां नहीं फॉलो होगा कि आपकी राइटिंग ना बैठे, आपकी लिखावट सुंदर ना हो और आपका दमदार आंसर हो तो आपका इंटरनल ब्यूटी आंसर का बहुत अच्छा है और फिजिकल ब्यूटी नहीं, अब वो टीचर पढ़ेगा ही नहीं। मान लीजिए कि कोई आपसे, आप इंटरनल बहुत सुंदर है, इंटरनल आपकी विचारधाराएं बिल्कुल सॉक्रेटिस की तरह मिलती जुलते हैं और आप पहुंच गए किसी से मिलने, अब उसके पास टाइम ही नहीं है, मात्र 20 सेकंड है और आपको बात करने का कोई मौका नहीं है तो आपसे कोई इंप्रेस नहीं होगा क्योंकि आपकी फिजिकल ब्यूटी एक्सटर्नल ब्यूटी सही नहीं है। आपने भी एफर्ट नहीं किया अपने आपको एक्सटर्नल ब्यूटीफुल बनने के लिए। एक गॉड गिफ्टेड होता है, एक आपका एफर्ट होता है। तो आपको चाहिए क्या कि एक्सटर्नल ब्यूटी भी जरूरी है। ये एक्सटर्नल ब्यूटी से आपको एंट्री मिलेगी, इट विल गिव यू चांस टू प्रेजेंट योर इंटरनल ब्यूटी, योर जो राइटिंग बैठने वाली है वो आपको चांस देगी आपके क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, वो अट्रैक्ट करेगी एग्जामिनर को कि वो आपके क्वेश्चन को पढ़े। तो ये इस छोटे से वीडियो से मैं मात्र इतना ही बताना चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।